हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका एक ओला वाले वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा इसके क्रूज कंट्रोल की। ये वेरिएंट है, की वेरिएंट है S1X 3 kW वाला। तो इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आता है, जहां पर अपन देख सकते हैं कि टोटल 267 किलोमीटर रन आउट हो चुकी है। 59% इको मोड में 74 किलोमीटर चलने के लिए ये गारंटी दे रही है। चलेगी क्या पता कितना, तो इस चीज़ को अपन ध्यान में न रखते हुए अपन करते हैं क्रूज कंट्रोल का परीक्षण। क्रूज कंट्रोल मैं बता दूँ, एक तरीके से ऐसा कंट्रोल है कि क्रूज पर कंट्रोल होता है। मतलब कि क्रूज मतलब कि उसकी जो रेस है, एक तरीके से अपन ये समझ लें कि रेस पे कंट्रोल। जैसे अपन ने 40 का रेस यहाँ पे डिसाइड किया और क्रूज कंट्रोल अगर दबा दिया तो वो 40 में ही चलेगी, चाहे से आप अगर एक्सेलरेट डाउन करते हो, अप करते हो, ये देखिए उठी, और या फिर ब्रेकिंग करते हो, तो वो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि क्रूज कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दोगे, क्रूज कंट्रोल ऑन करने के बाद इसको छोड़ दोगे, इस एक्सेलरेटर को छोड़ दोगे, तो भी गाड़ी उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो क्रूज कंट्रोल मिनिमम कितनी स्पीड पर काम करता है और क्रूज कंट्रोल मतलब कि मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए क्रूज कंट्रोल ये एक्टिव करने के लिए, तो वही चेक मैं कराऊंगा। अपन चलते हैं इको मोड पे, और इको मोड पे अपन चलते हैं, इको मोड पे ये हाईवे पर आए अपन, और अल्ट्रा वाइड कर लेते हैं अपन। इको मोड पे किया, जैसे 25 पे अपन कर दिया, तो 25 पे क्रूज कंट्रोल एक्टिव है। ये देखिए ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, वो देख सकते हैं आप। और एक चीज़ मैं ये बताऊँगा, जैसे कार्स में क्या है, बिलो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप क्रूज कंट्रोल ऑन नहीं कर सकते हो। मेरी कोई स्पोर्ट में तो ऐसा सिस्टम है। अदर कार्स में अगर इससे भी कम कर सकते हैं, मतलब कि 30 किलोमीटर के डाउनवर्ड में भी अगर आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, आपकी कार में एक्टिव हो जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और अब ये अपन ये डाउन करते हैं, ये देखिए ब्रेकिंग करी तो क्रूज कंट्रोल हट गया, ये देखिए अपने आप ब्रेक डाउन हो गए। अब अपन बिलो 20 पे काम करेंगे, तो बिलो 20 पे इसने काम नहीं किया है, अपन 19 पे लगाएंगे। 19 आ जाए, ये आ गया 19 पे भी काम नहीं किया। अब अपन 20 पे लगाएंगे, 20 पे काम करता है क्या, 20 पे आया नहीं था, 20 पे अपन अब 20 पे लगा, 20 पे काम नहीं करता। इसका मतलब कि बिलो 20 किलोमीटर पर आवर के बिलो के बिलो 21 किलोमीटर पर आवर के नीचे ये काम नहीं करता है। 23 पे लगाएंगे, 21 पे ये देखिए 21 पे काम कर रहा है, 22 पे काम कर रहा है। और जैसे ही आप इसको रिवर्स में घुमा देंगे तो ये क्रूज कंट्रोल हट जाएगा और रीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 59% इसकी बैटरी है, बिलो 90% इसकी बैटरी है, तो रीजन स्टार्ट हो जाता है। 90% से ऊपर आपका रीजन काम नहीं करेगा, इस चीज़ को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि क्रूज कंट्रोल कितना कब कैसे काम करता है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। और ये देखिए JCB कितनी शानदार लग रही है अपने सामने, और पूरा देख सकते हैं, पूरा मैं हाईवे पर ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर बिलो मतलब 20 किलोमीटर है आपका और आप क्रूज कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा, और अगर आप क्रूज कंट्रोल काम करना चाहते हैं तो 21 या 21 किलोमीटर से आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जा करके आपका क्रूज कंट्रोल काम करेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए, थैंक यू।